क्लास फिफ्थ यूनिट नंबर 1 आर सराउंडिंग्स. फर्स्ट चैप्टर इज गो ग्रीन गो स्मार्ट. सराउंडिंग्स मींस आर एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का एरिया. गो ग्रीन गो स्मार्ट यानी ग्रीन करें अपने एनवायरनमेंट को, स्मार्ट बने. यू आर गोइंग शॉपिंग विद योर मदर, आप अपनी मदर के साथ शॉपिंग जा रहे हैं. यू नीड टू बाय अ फ्यू थिंग्स, फ्यू मतलब होता है कुछ चीज़ें, अ फ्यू मतलब कुछ ही चीज़ें. तो आपको कुछ चीज़ें बाय मीन्स होता है ख़रीदना, आपको कुछ ही चीज़ें खरीदनी है. लुक एट लिस्ट वन, लिस्ट वन दे रखी है आपको, लिस्ट बी दे रखी है, इसको देखना है. एंड मार्क टिक द आइटम दैट यू विश टू परचेज, और उन चीज़ों पर टिक करना है जो आप परचेज करना चाहते हैं. तो लिस्ट वन में आपको जो भी यहाँ पे बैग्स दे रखे हैं, यहाँ पे प्लेट दे रखी है, यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट दे रखे हैं, ये सारे आपको प्लास्टिक के दे रखे हैं, प्लास्टिक. या फिर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि डिस्पोज नहीं होते, एनवायरनमेंट में नहीं मिक्स होते, बने ही रहते हैं, यानी जलते सड़ते गलते नहीं हैं. लिस्ट बी में आपको जो भी प्रोडक्ट दे रखे हैं, जैसे कि ये जूट का दे रखा है, जो भी सामान दे रखा है आपको, ये ऐसा दे रखा है जो एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली है, अच्छे हैं, इको फ्रेंडली. तो लिस्ट वन और लिस्ट बी में आपने टिक कर दिया कौन कौन सी चीज़ें आप शॉपिंग मॉल से ख़रीदना चाहेंगे. लास्ट आप नीचे देखिए, लेट्स चेक हाउ स्मार्ट अ शॉपर यू आर, देखते हैं कि आप कितने स्मार्ट शॉपर हैं. If you have marked items mostly from list A, अगर आपने mostly चीज़ें list A में से ली है, you don't know much about the need for keeping our environment clean. तो इसका मतलब है अगर आपने list 1 में से अगर आपने bag choose करा है, ये plastic plate choose करी है, या कुछ भी इसमें से choose किया, तो इसका मतलब ये है कि आपको नहीं पता कि हमारे environment को, हमारे वातावरण को साफ कैसे रखते हैं. If you have marked most of the items from list B, अगर आपने list B में से सामान choose किया है, then congrats, you are certainly a smart shopper. Certainly मतलब निश्चित ही रूप से आप एक अच्छे shopper हैं. Read some entries from the diary of Kushagra, a 10 years old boy. एक लड़का है Kushagra, इस chapter में आप देखेंगे एक Kushagra लड़का है जो कि एक diary लिखता है. ये 10 साल का लड़का है. एंड डिसाइड इफ़ ही इज़ अ स्मार्ट शॉपर, और वो ये देखता है, ये डिसाइड करना चाहता है कि क्या वो स्मार्ट शॉपर है या नहीं है. तो हमारे लिए, आपके लिए क्या अच्छा होगा कि आप इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स खरीदें. इको फ्रेंडली मतलब होता है एनवायरनमेंट के लिए जो अच्छे प्रोडक्ट्स हैं वो खरीदें. तो इस चैप्टर में भी Kushagra एक लड़का है 10 ईयर्स का, और वो आपको बताएगा कि कैसे वो स्मार्ट शॉपर है. आगे देखिए, Kushagra इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट. ब्राइट स्टूडेंट मतलब एक अच्छा, पढ़ाई लिखाई में अच्छा बच्चा है. ही हैज़ टॉप्ड द क्लास, उसने अपनी क्लास में टॉप्ड किया है. विथ फ्लाइंग कलर्स यानी कि ब्राइटली उसने बहुत अच्छे से स्कोर कर टॉप किया है. नाउ ही इज़ इन क्लास फिफ्थ. ही इज़ अ फेवरेट ऑफ हिज टीचर्स एंड पेरेंट्स, वह अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का एक फेवरेट बच्चा है. ऑल हिज क्लासमेट्स, क्लासमेट्स मीन्स साथ पढ़ने वाले बच्चे, लाइक हिम उसे पसंद करते हैं. वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा. टू नो द रीज़न फॉर हिज पॉपुलैरिटी, उसकी पॉपुलैरिटी को जानने के लिए, लेट्स पीप थ्रू द पेजेस ऑफ हिज डायरी. पीप मतलब होता है झांकना, या फिर सीक्रेटली छुपके से जल्दी जल्दी देखना. तो हम उसकी डायरी में पीप करते हैं, झांकते हैं छुपके से और पढ़ते हैं कि वो क्या, कैसे वो इतना अच्छा और इतना पसंदीदा, इतना पसंद करने वाले जो लोग हैं, बच्चे जो हैं उसको पसंद करते हैं, वो इतना फेवरेट क्यों हैं. अप्रैल सेकेंड में उसने डायरी में लिखा, आई एम वेरी हैप्पी. हु इज़ राइटिंग दिस डायरी? Kushagra. Kushagra इज़ राइटिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी. ऑन 2 अप्रैल ही इज़ राइटिंग दैट आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव टॉप्ड माई क्लास. मैं बहुत खुश हूँ, मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है. टुडे आई वेंट शॉपिंग विद मदर. मैं अपनी मदर के साथ शॉपिंग गया. ऑन माई वे टू द मार्केट. वे मतलब रास्ता. ऑन माई वे मतलब रास्ते में. ऑन द मार्केट जब मैं मार्केट जा रहा था, आई सा द रोड लिटर्ड विद ऑल काइंड ऑफ रिफ्यूज. लिटर्ड का मतलब होता है स्प्रेड अराउंड, इधर उधर फैले होना. वर्ड मीनिंग आपको नीचे भी दे रखे हैं. लिटर्ड मतलब होता है स्प्रेड अराउंड, इधर उधर फैले होना. जब मैं मार्केट जा रहा था तो मैंने रोड पर इधर उधर इधर उधर फैले हुए क्या देखा? ऑल काइंड्स ऑफ रिफ्यूज. रिफ्यूज़ मतलब होता है वेस्ट मटेरियल, बेकार मटेरियल. तो मैंने बेकार मटेरियल देखा.
क्या क्या देखा? डिस्पोजेबल ग्लासेस, डिस्पोजेबल आपको पता है वो प्लास्टिक के जो ग्लासेस आते हैं, एक बार हम यूज़ करके उन्हें फेंक देते हैं। प्लेट्स, स्पून्स, ओल्ड टॉयज, स्कूल बैग्स, पॉलिथिन बैग्स, एम्प्टी मिनरल वाटर, एम्प्टी मतलब होती खाली, खाली पानी की बोतलें, ऑल नोटबुक्स एंड मच मोर। इट वॉज अ हॉरिफाइंग साइट। हॉरिफाइंग मतलब होता है डरा देने वाला, साइट मतलब दृश्य, एक डरा देने वाला दृश्य था। मदर टोल्ड मी टू डू माई बिट फॉर द एनवायरमेंट। मदर ने मुझे बताया कि मुझे कुछ करना चाहिए, बिट मतलब थोड़ा बहुत कुछ करना चाहिए अपने एनवायरमेंट के लिए, अपने वातावरण के लिए। आई वॉज क्यूरियस, मैं क्या था, बहुत ज़्यादा जिज्ञासुक था। मदर क्यूरियस मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। मदर एंड आई वेंट अ लिटिल फार्दर, मैं और मेरी माँ थोड़ी सी और दूर गए। एंड सा टू डिफरेंट कलर्ड बिन्स पुट बाय द साइड ऑफ अ पार्क, और हमने देखा दो अलग अलग कलर के बिन्स, बिन्स मतलब कचरे के डब्बे जो थे वो रखे हुए थे। वन ब्लू एंड अदर ग्रीन, एक तो ब्लू कलर का था और दूसरा ग्रीन कलर का था। मदर एक्सप्लेन टू मी, मदर ने मुझे एक्सप्लेन किया अबाउट रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल। थ्री आर होते हैं एनवायरमेंट के, वो बताए। पहला है रिड्यूस कम करना, रीयूज दोबारा इस्तेमाल करना, रिसाइकल मतलब जो प्रोडक्ट हम दोबारा बना सकते हैं पुराने वालों से, दोबारा रिसाइकल करके थोड़ा सा, जैसे प्लास्टिक है उसको दोबारा से कुछ तरीके से अलग तरीके से बना सकते हैं, या पेपर है उसको किस तरीके से रिसाइकल कर सकते हैं। द ग्रीन बिन वॉज मीन्ट टू पुट इन आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल, जो ग्रीन था उसके अंदर वो आइटम को डालना था जो रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कि ये कैन है इसको हम दोबारा से वॉश करके अच्छे से साफ़ करके बाहर का कवर हटाकर हम इसे दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं। तो ग्रीन में वो चीज़ें डालनी थी जिन्हें आप रिसाइकल कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास, मेटल, पेपर, ग्रीन बिन। तो ग्रीन बिन में ये चीज़ें आ गई। द ब्लू बिन वॉज फॉर बायोडिग्रेडेबल आइटम्स दैट वुड बी यूज टू मेक कंपोस्ट, जो आपका ब्लू बिन था इसमें बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, ऐसे आइटम्स जो कंपोस्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ सड़ जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, गल जाते हैं और वो हमारे एनवायरनमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। बाय दिस टाइम आई वॉज फीलिंग थर्स्टी, इस समय पर मुझे बड़ी प्यास लग रही थी। आई रीच्ड फॉर अ कैन ऑफ कोला एट अ कियोस्क बट मदर स्टॉप्ड मी, मैं एक कोला की कैन तक पहुँचा, ठीक है। कियोस्क मतलब क्या है यहाँ पे, कियोस्क का मतलब है कि अ स्मॉल शॉप ओपन इन द एट द फ्रंट वेयर न्यूज़पेपर्स, ड्रिंक्स एक्सेट्रा आर सोल्ड, जैसे कि आप स्टेशन पे भी देखते हैं ऐसी शॉप्स बनी होती हैं, तो ऐसी शॉप जहाँ पर ये बोतलें, कैन वगैरह ये जो मिलती हैं। तो मैं कैन की एक कोला यानी कि कोल्ड ड्रिंक पीना चाहता था, तो मैं वहाँ उस दुकान पर पहुँचा, बट मदर स्टॉप्ड मी, लेकिन माँ ने मुझे रोक दिया। एंड इंस्टेड मतलब इसकी बजाय बोट अ टेट्रापैक ऑफ जूस दैट कुड बी थ्रोन इन द ब्लू बिन टू रिड्यूस वेस्ट। आप देखते हो आपके घर में एक जूस की कैन आती है जो पेपर की बनी हुई होती है, तो मेरी माँ ने वो जूस का पैक मुझे ख़रीद कर दिया जो कि फेंका जा सकता था ब्लू बिन में टू रिड्यूस वेस्ट, ताकि हम वेस्ट को क्या कर सकें, कम कर सकें। इट वॉज एन आई ओपनर, ये आँख खोल देने वाला था। वी बॉट सम ग्रोसरी, हमने कुछ घर का सामान खरीदा, किचन का सामान, फ्रूट्स खरीदे, हाउस होल्ड आइटम्स, घर की चीज़ें, इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें खरीदी। दैट माई मदर पुट इन द क्लोथ कैरी बैग, कपड़े से बना हुआ एक बैग था उसके अंदर मेरी माँ ने उसे डाल दिया। विच शी हैड ब्रॉट विद हर, जो कि वो अपने साथ लाई थी। तो देखो इस पेज पर आपको क्या बताया गया है, हाउ टू सेव एनवायरमेंट, हाउ What are the necessary steps that you can take to save your environment? Environment को save करने के लिए आप क्या steps ले सकते हैं? तो यहाँ पर अलग अलग step है कि आप जो can of cola ख़रीदते हैं वो किसकी बनी होती है, plastic की या tin की बनी हुई होती है, तो that is not good for our environment. So we should purchase those items which are recycled, which can be recycled, which can be reduced, which can be reused, जिसको हम दोबारा reuse कर सकते हैं। So यहाँ पे आपको एनवायरनमेंट के लिए दे रखा है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट शुड बी यूज्ड।